Good morning students, today we will learn about relation between HCF and LCM. कोई भी दो नंबर जब आपको दिए हों, कोई भी दो नंबर आपको दिए होंगे, उनको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM. इन दोनों को HCF और LCM मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वही क्या सेम रिजल्ट आएगा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का. ठीक है, अब जैसे हमें फर्स्ट नंबर निकालना है और हमारे पास क्या होना चाहिए? सेकेंड नंबर HCF और LCM. और सेकेंड नंबर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे. उसी तरह अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर होना चाहिए, HCF होना चाहिए और LCM. फर्स्ट नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह हमें अगर HCF निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और LCM. यहां से LCM क्या करेगा? यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां आकर डिवाइड में हो जाएगा. उसी तरह LCM जब हमें निकालना होगा तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर. और HCF क्या होगा? यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो ये यहां डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखना. अगर आपको सिर्फ मेन ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF और LCM. सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इंटरचेंज होने, कोई भी दो नंबर दिए होंगे या HCF LCM दिए होंगे तो वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर टू. अब कोई भी दो नंबर आपको दिए हैं, ठीक है, अब इन दो नंबर्स का हम पहले क्या करेंगे? इस स्टेप्स में हम डिवाइड करके HCF निकाल लेंगे. ठीक है, ये आपको निकालना आता है, आप निकाल लोगे. ठीक है, अब इस HCF से हमारे पास क्या क्या हो गया? HCF हो गया, फर्स्ट और सेकेंड नंबर हो गए, तीन चीजें हो गई हमारे पास. और हमें क्या निकालना है? LCM. ठीक है, LCM निकालने के लिए हमारे पास HCF 77 है, LCM हमें निकालना है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है और सेकेंड नंबर भी है. ठीक है, अब क्या करेंगे? HCF को हम क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे, यहां ये मल्टीप्लाई में होगा तो यहां आकर ये डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे. ये थोड़ा डिवाइड करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये डिवाइड करना आपको आ जाएगा. ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करना है? जैसे 77 है, इसको डिवाइड करेंगे 693 से. ठीक है, इसको सबसे पहले ट्राई करेंगे 11 से, 11 से ये 63 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 से, 7 9 जा 63, तो हमारे पास जो LCM निकलेगा, जो डिवाइड करने के बाद 9 और 178 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9702. ठीक है, अब यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि LCM और HCF दोनों मल्टीप्लाई में है और यहां फर्स्ट और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में, ये नंबर यहां मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे लाने के बाद क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है? इक्वल के साइन से कोई भी वैल्यू हम शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है, और इस वे में आप LCM निकाल लोगे. अगर आपको HCM दिया हो तो आप HCF निकाल लोगे. ठीक है,